ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने 2023 के स्टार्ट में खुद की या किसी जानने वाले की जॉब को जाते हुए देखा है। और मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 टिप्स शेयर कर सकूं जो कि आपको अपनी लाइफ में वापस खड़े होने पे, वापस कॉन्फिडेंट होने में मदद कर सके। इवन दो मुझे फॉर्चुनेटली कभी किसी कंपनी से निकाला नहीं गया है, लेड ऑफ नहीं किया गया है, बट मैंने बहुत क्लोजली से देखा है। मुझे याद है इन 2007 हम 3 फ्रेंड्स सेम कॉलेज से सेम कंपनी को ज्वाइन किए थे और हम लोग अपार्टमेंट भी शेयर करते थे। एंड आउट ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स एक फ्रेंड बहुत ही छोटे से मार्जिन से कंपनी का फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और उसको निकाल लिया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मुझे ये पता चला और मैं वापस घर आया। आई डिड नॉट नो हाउ टू फेस हिम। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड ही स्ट्रगल्ड फॉर फ्यू मंथ्स। इट टुक टाइम फॉर हिम टू गेट बैक ऑन हिज फीट, बट द गुड थिंग इज नाउ दैट गाय आफ्टर सो मेनी इयर्स इज डूइंग वेरी वेल। आई कांट शेयर हिज नेम ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, बट ही इज डूइंग वेरी वेल। Working in a top consulting company, he settled in US, he's got his wife and everything over there. And the point of all of this is that you might be feeling pretty low right now, but understand that it is a phase. I've also seen about 10 years back, very senior guys in one of the top IT company in India getting fired because of miscellaneous reasons. I don't know what happened to them afterwards, but the kind of speculation I heard काफी painful था। So I hope मैं जो ये 5 tips share करने वाला हूँ आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उस पर काम करेंगे, so that hopefully very soon you'll be doing much better than जो आप पहले कर रहे थे। So tip number 1, सबसे important, सबसे जरूरी tip is to accept। आपको स्वीकारना ही होगा, आपको मानना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन। एंड आई नो यू माइट बी अंडरगोइंग एंगर, यू माइट बी वेंटिंग एंड विच इज फाइन, बट डोंट लेट दैट गेट ऑन टू योर हेड्स। आई नो दिस माइट बी द टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन यू मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी लो, बट यू शुड नॉट गेट दैट इन टू योर हेड। रिमेंबर देर इज ऑलवेज अ वे, देर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, सो डोंट लूज होप एंड एक्सेप्ट वॉट इट इज। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे यू हैव टू डू एन ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट। आपको खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी। इट मे नॉट कम आउट एज यू वांटेड टू, बट इज नो अदर ऑप्शन। तो आप खुद की एनालिसिस करिए, देखिए कि कौन सा वो एरिया है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या ये टेक्निकल स्किल्स थी, क्या ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, या और कोई स्किल्स थी। अगर ये टेक्निकल स्किल्स है, मे बी इट इज टाइम फॉर यू टू इनरोल इनटू फ्यू कोर्सेज। देयर सो मेनी ऑनलाइन स्कूल्स अवेलेबल, कोर्सेज अवेलेबल। मे बी आप टेक्निकल स्किल्स में तो अच्छे थे, बट यू नेवर गेट गॉट अ चांस टू डू द सर्टिफिकेशन। अब टाइम है आपके पास, गो थ्रू द सर्टिफिकेशन, गेट दैट प्रूफ दैट यू नीड। एंड इफ यू थिंक दैट यू नीड टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन दैट्स द परफेक्ट टाइम। यू नीड टू लुक एट what exactly that you're lacking, what exactly that you need to work upon. So step number 2 is doing an honest self-assessment. Step number 3, work on your gap. Now aapne jab self-assessment kiya hai, so now you know the areas you need to work upon, and I already talked about what can you do if you need technical skills. Now if you need to work on your communication skills, आपको communication skills अच्छी करनी है, आपको लगता है कि आपकी communication skills की वजह से आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए था, या maybe ये एक major factor हो सकता है जिस वजह से आपको laid off किया गया। So work on your communication skills, make a plan, make a goal. I'm going to suggest a few things that you can do. For example, the best way to learn communication is by doing communication, and उसके लिए आप ऐसी जगहों पे enroll करें जहाँ पे आपको public speaking communication करने का मौका मिलता है। For example, Toastmaster Club, one of the best kept secret to improve your communication skills is joining a Toastmaster Club. You can also enroll in various other organization, and also if you want to go far, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और ज़्यादा focused attention चाहिए, you can also consider hiring a coach. Now at this point of time in your career, it is all about making the right investment. So if you think that ki aapko jyada zarurat hai, I would highly recommend that you hire a coach
who can help you with this. Step number four, this is where you need to execute. अगर आपने technical courses में enroll कर लिया, आपने certification के लिए enroll कर लिया, आपने Toastmaster club join कर लिया है या coach hire कर लिया है, this is the time for you to actually work upon. Planning बहुत ज्यादा important है और उतना ही important execution है. तो आपको न सिर्फ planning करनी है but उसको execute करना है. आपको courses go through करने हैं, coaches से session लेने हैं, club की meetings join करनी है, जो भी आपका action plan था उस पर आप act करिए. And also start networking. Go to LinkedIn. अगर आपने अपने LinkedIn का प्रोफाइल नहीं बनाया है या LinkedIn का प्रोफाइल बनाया था बट बहुत समय से अपडेट नहीं किया, दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट शेयरिंग whatever you know, start sharing whatever insight you had. This is one of the best ways to show yourself to the world. So step four is execute your plan, network, and start showing yourself to the world. And step five is the time to get into the group. Aapne certification kar liya, course complete kar liya, ya aapne apne communication skills ko polish kar liya. So this is the time for you to now apply for इंटरव्यूज, जॉब पोर्टल्स पे रजिस्टर करिए, लिंक्डइन पे सर्च करिए और जो भी अलग आपके मीडियम से वहाँ पे आप आपके प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सर्च करना स्टार्ट करिए, इंटरव्यूज के लिए अपना नाम देना शुरू करिए. एंड साथ के साथ मॉक इंटरव्यूज, अगर इफ यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, गो एंड पार्टिसिपेट इन दैट. बहुत सारे ऑनलाइन फोरम है जहाँ पे पीपल कीप पोस्टिंग अबाउट दीज इंटरव्यूज, गो एंड रिसर्च दैट एंड लिंक टू दैट इज द नेक्स्ट. इनकेस आपको किसी कंपनी से कॉल आता है तो सिर्फ ऐसे मत जाइए, थोड़ी प्रिपरेशन के साथ जाइए. एंड व्हेन आई सी प्रिपरेशन, दो तरह की प्रिपरेशन होगी. एक होगी जो आपसे रिलेटेड प्रिपरेशन है. ऑफ कोर्स अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, यू नीड टू बी रेडी विद द आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा. और जो नॉर्मल क्वेश्चन है कि what is your vision, what do you really want to do, what is the kind of role you're looking for, and the second part hai, that is knowing about the company. agar aap company abc ke liye interview dene ja rahe ho to aap pata karo, abc ki website pe dekho aur alag alag reviews wale portals pe dekho to pata karo what is the company all about, uska results kaise rahe hain, uska profit kya raha hai, uska major areas of operation kya hai, so that you are mentally prepared. this is very very important. so ye the hamare 5 steps which you can do. Step 1 is to accept and let go. Step 2 is to do an honest self-assessment. Step 3 is to prepare plan. Step 4 is to execute, to act upon your plan. And step 5 is get into the group and get ready to fly. I hope aapko ye 5 steps helpful lage hon and I wish you all the best. Agar aap affected hue hain is layoff ke season se, so I hope and wish and pray that you get into a job, you get into a business, you get into something which you are passionate about, which you are deserving, and most importantly where you can contribute best. I wish you all the best, and agar aapko ye video pasand aaya to please like kariye, comment kariye, and more importantly unke sath share kariye jinke liye ye bahut bahut zaruri hai. Thank you so much. As I say always, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Haritosh Vastav. I'll see you next week with another video.